नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मेडिकल ज्ञान। दोस्तों, यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं, तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ओरासोर जेल है। जी हाँ दोस्तों, ओरासोर जेल, वही जो छाले में काम आता है। तो आज बात करेंगे हम उसी टॉपिक पर कि ओरासोर जेल क्या है, क्या इसकी मार्केटिंग प्राइस है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, या छाले क्यों होते हैं, छाले में इसको कैसे लगाएं, और ये किस प्रकार के छाले में काम आता है, एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपने घर बैठे बैठे मेडिकल की सारी जानकारियाँ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओरासोर जेल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ओरासोर जेल के बारे में। ये है ओरासोर जेल, दोस्तों हमारे हाथ में आप देख सकते हैं। बात कर ले इसके बनाने वाली कंपनी, दोस्तों इसको बनाने वाली जो कंपनी है विंग्स फार्मा है। विंग्स फार्मा ने इस जेल को बनाया है। अगर मार्केट में प्राइस की बात कर लें तो इसके 78 रुपीज़ मार्केट की प्राइस है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये किस चीज़ में काम आता है। तो दोस्तों, ये छाले में काम आता है। तो बात करते हैं कि छाले कैसे होते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, गलत खान पान की वजह से भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी हम धूम्रपान ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, ऐसे केसेस में भी छाले हो जाते हैं। अगर हमारा पेट साफ ना हो तो भी कब्ज की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। कभी कभी हम नकली दांत वगैरह भी लगवाते हैं तो दांत सूट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। या कभी कभी हम गर्म चीज़ पी लेते हैं या खा लेते हैं, जैसे गर्म पानी या गर्म चाय जैसी चीज़ें या कॉफ़ी जैसी चीज़ें पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुँह में छाले आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आपके मुंह में छाले आ रहे हैं, वो गलत खान पान की वजह से, बहुत सारे केसेस में विटामिन्स की कमी होने की वजह से, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारे महीने भर 15 दिन जाते जाते बहुत सारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओरासोर जेल से आप अपने मुँह के छाले को ठीक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ओरासोर जेल में क्या क्या मिला होता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला कंटेंट मिला होता है कोलिन सेलिसाइलेट होता है, और दूसरा जो होता है लिग्नोकेन होता है। तो दोस्तों, इसमें कोलिन सेलिसाइलेट जो होता है वो आपको एक तरीका से एंटीबायोटिक का काम करेगा, जो कि आपके घाव को ठीक करने का काम करता है। जो भी अगर छाले की वजह से घाव बन गए हों, कट गए हों, कभी कभी दांत से भी हमारे जीभ कट जाते हैं तो भी उसमें दर्द और घाव हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप इसको लगा करके काम कर सकते हैं। इसमें कोलिन सेलिसाइलेट जो है वो घाव को भरने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिग्नोकेन की। तो लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेसिया है। लोकल एनेस्थेसिया मतलब जहाँ पे आप इसको लगाएंगे उस पार्ट को ये सुन्न कर देगा, जीरो कर देगा। इसी की वजह से ये क्रीम सिर्फ 2 मिनट में आपको दर्द से आराम दे देती है। तो बात कर लेते दोस्तों इसके अप्लाई करने का, या इसको यूज़ कैसे करें या कैसे इसको लगाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर लें, धो लें। उसके बाद अपनी उंगली पर, उंगली की टॉप साइड पर आप क्रीम को लगाएं। जितना आपको घाव लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्रीम को अपने उंगली पर निकाल लें। देन उसके बाद आपको जहाँ घाव लगा है वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें, जहाँ जहाँ तक लगा है उसको अप्लाई करें। उसके बाद आप छोड़ दें। आप छोड़ने के बाद उसमें दोस्तों आपको सलाइवा बनेगा, लार बन सकता है, या जिसको थूक बोलते हैं बनेगा। तो आपको वो चीज़ों को कुछ समय तक अपने मुँह में होल्ड करके रखना है, तुरंत नहीं थूकना है। अगर कुछ बन रहा है तो उसको अपने मुँह में पिच को थोड़े टाइम तक रखे रहिए, देन उसके बाद आप उसको थूक दीजिए। एक अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों इसको 3 से 4 घंटे के अंतराल में लगाना है। जैसे अभी लगाए तो 3 से 4 घंटे बीतते बीतते एक बार फिर आप अप्लाई कर लीजिए, फिर 3-4 घंटे बीतते बीतते एक बार फिर अप्लाई कर लीजिए। ऐसे 4-4 घंटे में अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे आपके मुँह के छाले बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की, इसमें हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट हो। तो दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसका जो पिच बने, थूक बने, उसे निगले ना, क्योंकि इसमें लिग्नोकेन है वो जो बॉडी को जिस एरिया पे आप लगाते हैं उसको शून्य करने का काम करता है, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ों को निगल जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पेट में थोड़ी जलन टाइप की हो, सेंसेशन हो, या उसमें वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की दोस्तों, तो हो सकता है किसी किसी केसेस में क्या होता है कि ये लोकल एरिया को शून्य करता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप इसको लगाएं उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही कुछ खाएं, कम से कम 5 मिनट के बाद ही कुछ खाएं, क्योंकि ये लोकल एरिया को शून्य कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ चीज़ चबाने की कोशिश करेंगे तो आपका
वो जगह कट सकता है या आपकी जीभ कट जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जहाँ तक ये क्रीम लगा रहता है वहाँ के एरिया को पूरा शून्य कर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका जीभ, आपके गाल शून्य हो जाए, जिसकी वजह से आपका वो चीज़ें कट सकती हैं। तो आप 5 से 7 मिनट तक कुछ भी ना खाएं इसको लगाने के बाद। और दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कुछ और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे आपको जलन हो रही है या बर्निंग टाइप का लग रहा है या इचिंग हो रही है, तो तुरंत इस क्रीम को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह ले करके कोई दूसरी क्रीम लगाने का प्रयास करें या यूज़ करें कोई दूसरी क्रीम। तो दोस्तों, ये थी ओरासोर जेल के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपना 1 लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठे बैठे मेडिकल की सारी जानकारियां और मेडिसिन से जुड़ी हुई सारी बातें या कोई भी दवाइयों की जानकारियां आप घर बैठे बैठे आसानी से पा सके दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।